नमस्कार, मैं केशव वाधवा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि डीडीए ने अपनी दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 लॉन्च कर दी है। इस स्कीम में डीडीए ने नरेला, द्वारका व लोकनायकपुरम के लगभग 30,000 फ्लैट्स को शामिल किया है, जिसमें EWS, LIG, MIG व HIG फ्लैट्स शामिल हैं। बात करें द्वारका की, तो द्वारका में EWS व LIG फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जबकि MIG, HIG, सुपर HIG व पेंट हाउस के लिए रजिस्ट्रेशन स्कीम के दूसरे चरण में 30 नवंबर से स्टार्ट होगा। आज इस वीडियो में विजिट करेंगे द्वारका सेक्टर 14 की और देखेंगे एक LIG व EWS सैंपल फ्लैट, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बात करें सेक्टर 14 के इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो यह मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 14 व वेगास मॉल से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा इस्कॉन टेम्पल सेक्टर 13 से भी यह लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा NSUT से भी यह लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हम अपनी साइट विजिट स्टार्ट करेंगे द्वारका सेक्टर 14 के मेट्रो स्टेशन से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 14 पर हैं। ये राइट साइड में वेगास मॉल की बैक एंट्री है। ये लेफ्ट साइड में द्वारका सेक्टर 14 पॉकेट 1 राधिका अपार्टमेंट का मेन गेट है। राइट साइड पे ओम अपार्टमेंट सेक्टर 14 पॉकेट 2 का बैक गेट है। ये सामने जो फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, यही डीडीए का न्यू प्रोजेक्ट है। इसकी एक एंट्री यहाँ से भी है, लेकिन आज यह गेट बंद है। यह राइट साइड में सेक्टर 14 पॉकेट 3 शहीद भगत सिंह अपार्टमेंट है। सामने भरत विहार कॉलोनी है, हमने यहां से लेफ्ट लेना है। अब हम प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंच गए हैं। यहां पर एक सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी एंट्री फ्रंट साइड से है। ये इस प्रोजेक्ट का मेन गेट है। ये गेट से एंटर होते ही जो सामने टावर है, वह टावर बी है। यहां पर टावर A, B, C, D, E व F में LIG व MIG फ्लैट हैं, और इसके बाद वाले टावर में EWS फ्लैट हैं। ये कम्युनिटी हॉल है
और कम्युनिटी हॉल के आगे के टावर में EWS फ्लैट हैं, और इससे पहले के सभी टावर में LIG व MIG फ्लैट्स हैं। पार्क साइड से देखें तो सबसे पहले ये टावर ए है, और इसके साथ टावर बी, इसके बाद टावर सी, और उसके बाद डी, और यह टावर ई, और इसके बाद यह आखिरी टावर एफ है। इसके बाद EWS के टावर हैं। इन छह टावर्स के बीच में यह पार्क दिया गया है। चलिए अब देखते हैं एक LIG फ्लैट। ये लिफ्ट एरिया है, और ये सामने एक कॉमन यूटिलिटी दी गई है। ये दो फ्लैट ये लेफ्ट साइड में दिए हैं, और दो ये राइट साइड में, और चार फ्लैट इस साइड दिए गए हैं। टोटल एक फ्लोर पर 8 फ्लैट और 3 लिफ्ट हैं। आठ फ्लैट्स में से 4 फ्लैट MIG हैं और 4 फ्लैट LIG। अब ये सामने के दो फ्लैट में राइट वाला LIG है और लेफ्ट वाला MIG फ्लैट। पार्क के साथ बेसमेंट पार्किंग की एंट्री है। यहाँ पर दो लेवल की बेसमेंट पार्किंग है, 1 और 2। चलिए अब देखते हैं EWS फ्लैट। यहाँ पर कुल 1008 EWS फ्लैट हैं, जिनकी कीमत 33,60,000 से लेकर 34,50,000 के बीच रखी गई है। EWS फ्लैट्स की अलॉटमेंट भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगी। EWS फ्लैट्स में 5 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। EWS फ्लैट्स के लिए स्टिल्ट पार्किंग और यह ओपन पार्किंग है।
ये EWS का सैंपल फ्लैट है, एक फ्लैट राइट में और एक लेफ्ट में दिया गया है। और चार फ्लैट आगे दिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं EWS सैंपल फ्लैट। ये इस फ्लैट की मेन एंट्रेंस है।